आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इलेवेंट में हम वॉक थ्रू कैसे बनाते हैं और उसके साथ ही इमेज रेंडर करके कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेवल फर्स्ट में जाना है। जैसे हमने ये मॉडल बनाया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो लेवल फर्स्ट में चलते हैं। उसके बाद वॉक थ्रू बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ जाएंगे हम ऊपर, ये 3D का आइकन जो दिया, उसके बाद इस एरो में क्लिक करेंगे और वॉक थ्रू में जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जा सकते हैं। व्यू में जाने के बाद इन मोशन में भी आप बना सकते हैं वॉक थ्रू, नहीं तो वहाँ से नहीं बनाना है, तो सिंपली यहीं से वॉक थ्रू बना सकते हैं। मैंने जैसे ही इसमें क्लिक किया वॉक थ्रू में, उसके बाद हमें यहाँ कुछ पॉइंट्स देना पड़ेगा, जैसे ये स्केप करेंगे। उसके बाद अभी हमारे ये दिख नहीं रहे हैं, फिर से हम क्लिक करेंगे वॉक थ्रू में और यहाँ क्लिक करेंगे हम राइट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउज़र में वॉक थ्रू में डबल क्लिक करेंगे, थ्रू में क्लिक जैसे ही हमने करेंगे, उसके बाद हमें ये प्ले करके देखना है, व्यू में जाएंगे, वहाँ से रेंडर कर सकते हैं हम अपनी इमेज। हम वॉक थ्रू पहले इसमें क्लिक करें, सिंपली फ्रेम में जो फ्रेम देखा है एडिट वॉक थ्रू क्लिक करें, जैसे प्ले करूंगा यहाँ से तो अभी हमारा वॉक थ्रू कहीं से देख नहीं रहा, तो हम सिंपली लेवल फर्स्ट में आएंगे। यहाँ से हम कैमरे सेलेक्ट करेंगे, कैमरे की पोजीशन है उसको अपने घर की तरह कर देंगे, फिर हम बनाएंगे ये सिंपली कैमरे में क्लिक कर करके हम कैमरे की पोजीशन सही करनी है, क्लिक करेंगे सिंगल कैमरे में और बिल्डिंग की साइड करेंगे कैमरा, फिर इसमें क्लिक, फिर इसमें क्लिक, उसके बाद बना अप्रूव करेंगे, उसके बाद से हम क्लिक प्ले करेंगे। जैसे ही तो कुछ इस पर फाना हमें वॉक थ्रू देखने मिलेगा, जैसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो ये बिल्डिंग के बहुत पास है, मैं इसको कुछ थोड़ा दूर करना पड़ेगा बिल्डिंग से, जिससे कि पूरी बिल्डिंग देख के आना है। तो लेवल फर्स्ट में हम फिर से जाएंगे और लेवल फर्स्ट में राइट सिंपली यस कर देंगे, ऐड देंगे वो यस और सिंपली इसको उठा एडिट वॉक थ्रू फिर जैसे ही करेंगे और प्रकार से हमारी बिल्डिंग दिखेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 फ्रेम्स बनाता है, फिर कारण ने दिया इसमें 300 फ्रेम्स दिखा रहा है एक साथ, तो इमेज मिल के वॉक थ्रू दिखाती है। यहाँ वॉक थ्रू में क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से भी सिंपली यस करेंगे, फिर हम जाएंगे वॉक थ्रू में, यहाँ से लेवल फर्स्ट में भी जा सकते हैं। तो लेफ्ट और मिडिल माउस से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, इसको क्लिक करेंगे और जो हमारा अब बढ़ा देंगे हम परचेस प्रकार से। उसके बाद हम प्ले करके देखेंगे अपना वॉक थ्रू, प्ले एडिट वॉक थ्रू में क्लिक करेंगे प्ले, तो कुछ इस प्रकार से हमारा वॉक थ्रू बनता है। इसको सिंपली आप यहाँ से जाके इसको रियलिस्टिक कंसिस्ट कलर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कंसिस्ट कलर करूँगा, फिर बात प्ले करूँगा इसको, तो हमारा वॉक थ्रू कुछ इस प्रकार से आएगा कंसिस्ट कलर में।
यहाँ से रियलिस्टिक करके हम और सिंपली प्ले करके देख लें, तो उसके बाद हम सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना बताऊंगा। तो ये कुछ प्रकार से हमारा वक्त बनता है, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं इमेज रेंडर करना बताऊंगा, आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ये बताऊंगा आपको। तो एक्सपोर्ट करने के लिए इसको सिंपली कंप्लीट हो जाए टास्क, हाँ कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे फाइल में क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम तो इसको प्रॉब्लम यस, तो सिंपली करेंगे क्लिक करेंगे सेव एज में जाएंगे हाँ। ये जैसे स्क्रॉल करेंगे इमेज एंड एनिमेशन यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉक थ्रू देखिएगा आपको। यहाँ से आप वॉक थ्रू में जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ हम क्लिक करेंगे क्लोज, और ऐसे आप इमेज रेंडर करके बताता हूँ आपको। 3D में जाएंगे इमेज रेंडर करने के लिए, सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है शो रेंडर डायलॉग। एक और आपको यहाँ देखेंगे रेंडर व्यू में जाएंगे, क्लिक करेंगे इस प्रकार का हमारे पास खुल जाएगा रेंडरिंग डायलॉग। उसके बाद सिंपली रीजन को करना है तो एक रीजन होगा आपका रेंडर, ऑल करना है तो ऑल पे आ गए, मैं एक रीजन करूँगा। रीजन को करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे सिंकर, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसका एंगल वगैरह। अब इसको थोड़ा सा कुछ हम कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम इसको रेंडर करेंगे, सिंपली हम रेंडर पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ से सन ओनली आर्टिफिशियल, सन ओनली सन एंड आर्टिफिशियल जो आप करना चाहें, जैसे मैं सन ओनली कर देता हूँ, और यहाँ से फ्यू क्लाउड्स की जगह मैं क्लाउड कर देता हूँ। ड्राफ्ट रहने देता हूँ, अगर आपका पीसी अच्छी क्वालिटी का है तो हाई कर सकते हैं, मैं ड्राफ्ट रहने देता हूँ। मैं यहाँ से जैसे ही रेंडर पे क्लिक करूँगा रेंडर होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये इमेज रेंडर होना स्टार्ट हो गया, तो ये रेंडर भी हो गया। अब आप जिस प्रकार जैसे जैसे यहाँ से सेटिंग करेंगे उस हिसाब से आपकी रेंडर इमेज नहीं अच्छी होगी। मैं यहाँ से आप इमेज को एडिट कर सकता हूँ, एडजस्ट एक्सपोजर में जाऊँगा, यहाँ से सेचुरेशन बढ़ा देंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे कुछ ऐसा कलर देखने लगा, इस प्रकार से हम यहाँ से इमेज रेंडर कर सकते हैं। तो ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने बताई दिया, फाइल पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट में सिंपली जाएंगे, यहाँ जाएंगे इसको स्क्रॉल जैसे ही करेंगे, यहाँ कुछ हैंग होगा हमारा पीसी तो थोड़ी सर्वर बनना है। उसके बाद ये इमेज एंड एनिमेशन में जाके वॉक थ्रू इमेज तो आपको एक्सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रेविट में वॉक थ्रू और हमारी इमेज रेंडर होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।